वही वीडियो देखो जो आए बिना ब्रेक के, बिना ब्रेक वाला वीडियो बोले सबसे हार्ड। अभी डाउनलोड करें तक ऐप, देख बिना ब्रेक। गुना निगम आयुक्त सभाजीत यादव के ऑफिस में पहुंची बीजेपी महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान महिला कार्यकर्ताओं ने आयुक्त को चूड़ियां पहना दी। बीजेपी का आरोप है कि जब से यहां सभाजीत यादव की तैनाती हुई है, शहर में विकास कार्य रुक गए हैं। अगर स्ट्रीट लाइट अगर जो खराब हो गई है, वह दोबारा बनने का नाम नहीं ले रही है, ना तो उसकी व्यवस्थाएं दुरुस्त कराई जा रही है। सड़कें हैं तो बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है, कहीं भी कोई काम नहीं हो रहा है, नालियां बज बजा रही हैं, सफाई नहीं हो रही है। यही रीवा के विकास कार्यों के मुद्दों को लेकर के हम भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चे की बहनें यहाँ पर आए थे कमिश्नर साहब को ज्ञापन देने के लिए, और उन्हें चूड़ियाँ भेंट करके हमने ये कहा है कि आप अब किसी लायक नहीं बच रहे, आप चुपचाप चूड़ी पहनिए और घर में बैठिए। और वो जब से आए हैं सिर्फ उनमें हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे वो राजनीतिक प्रतिद्वंदता कर रहे हैं। नहीं, हमारा रीवा जो था एक विकास के नाम से ये शहर जाना जाता था, विकासशील शहर जाना जाता था, लेकिन आज 10 महीने में सारा विकास ध्वस्त हो चुका है। इन्हीं सब मांगों को लेकर के हम सब कोई आए थे। हालांकि निगम कमिश्नर ने चूड़ियां पहनने पर बिल्कुल विरोध नहीं जताया। इस पूरे मामले में कमिश्नर सभाजीत यादव ने राजनीतिक पार्टियों का विरोध करने का तरीका माना है। सभाजीत ने महिलाओं के विरोध की शिकायत तो दर्ज नहीं कराई है, लेकिन एक नसीहत जरूर दे दी। नहीं, इसमें निंदनीय मानने की बात कुछ नहीं थी। मैंने कहा कि भाई चूड़ियाँ हमारे यहाँ टेबल पर रख रही थी, हमने कहा ठीक कर रहे हो, अभी त्यौहार है कल और बहुत सारी गरीब महिलाएँ हैं, उनको बंटवा दिया जाए इसको। इसमें निंदनीय मानने की, जो भी जो कृत्य करता है वो कृत्य करने वाला वो समझता है कि उसका कृत्य निंदनीय है कि सराहनीय है। मैं कौन हूँ उसके कृत्य पर टिप्पणी करने वाला। आपको लगातार टारगेट कर रहे हैं यहाँ पर, क्या वजह मानते हैं इसके पीछे? देखो, ये सबको वजह भी पता है और टारगेट करने का कारण भी पता है। एक चीज़ मैंने बता दिया कि जहाँ तक विकास की बात आप करते हो, तो आप इस 10 महीने के कार्यकाल में मेरे जो विकास के कार्य हुए हैं उनकी तुलना आप किसी भी कार्यकाल से कर लो, आपको स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। रही बात यह कि मैं कोई पुनः आपको कहूँगा कि कोई पूछ में आग लगाता है, कोई वो क्या करना चाहता है, कोई कब्रिस्तान खोदता है, कोई जो है चूड़ी भेंट करता है, तो सबकी अपनी अपनी संस्कृति है, अपने अपने तौर तरीके हैं, अपने अपने जो है लक्ष्य हैं, उस लक्ष्य को प्राप्त कर रहे हैं, उनको मुबारक है। दरअसल नगर निगम रीवा में सभाजीत यादव ने जब से पद संभाला है बीजेपी लगातार विरोध कर रही है। इससे पहले बीजेपी सांसद ने भी उन्हें धमकी दी थी और अब बीजेपी महिला कार्यकर्ताओं ने उन्हें चूड़ियां पहना दी। रीवा से विजय कुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट।